लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। दोस्तों नमस्कार, टीवी वन इंडिया के खास कार्यक्रम फेस टू फेस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हमारे साथ खास मेहमान है बातचीत करने के लिए मिस्टर विजय गायकर साहब। आप दीपा पाटिल साहब के साथ लंबे समय तक आपने काम किया है, 25 सालों से ज्यादा आप उनके सहयोगी रहे हैं और प्रकरणग्रस्तों के लिए चलाए जा रहे आंदोलन के साथ आपने भूमिका अपनी निभाई हुई है। इस वक्त हमारे साथ स्वयं विजय गायकर साहब मौजूद हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मैं सवाल की शुरुआत आपसे वही करना चाहता हूं कि इस वक्त नवंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीपा पाटिल साहब का नाम दिलाने को लेकर आंदोलन चल रहे हैं, आप उनके सहयोगी रहे हैं लंबे समय तक, आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनके साथ आपने काम किया है, किस तरह से प्रकल्पग्रस्तों के साथ उनकी भूमिका रही, उनके लिए क्या उनका विजन था जिसके वजह से आज दीपा पाटिल साहब प्रकल्पग्रस्तों के मसीहा बन गए? दीपा पाटिल साहब बोलेंगे तो ये उनका यानी जो जो जन्मभूमि है दासई, वहां से उनकी जिंदगी चालू होती है। पूरी प्रकल्पग्रस्त की आप बोलेंगे उसके बारे में अगर बोलते रहेंगे तो ये आप देखेंगे तो पूरे गरीबों के लिए, गरीब और मजदूर, शेत मजदूर, कामगार, इनके हित में जो उन्होंने काम किया है वो सब पूरा आप लोग देखेंगे तो उसके प्रति सब लोगों को बहुत लगाव है। उन्होंने तो लोगों को मिलने के लिए जाना है तो कहा, कभी होड़ी का साथ लिया, कभी जीप का साथ लेके वो चलते जाते थे, किसी भी कहाँ पे भी पहुंचना है, जिसी को समस्या हो गई वहां पे पहुंचना उनका पहला कर्तव्य होता था। किसी भी किसी को भी कोई पीड़ित है तो उसको उसकी पीड़ित समस्या दूर करना, अन्याय दूर करना, ये उन्होंने ये लिया। एक्चुअली जो उन्होंने ये सब पूरा अपना, हम लोग बोलते हैं कि हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे हमारे महाराष्ट्र के ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के दैवत है। मैं तो बोलता हूँ कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जनन उनको जो विचार थे वो हमारे हम लोगों ने उनके दीपावली साहब के यानी उनके इसमें देखे हैं। सब जगह पे उनका आंदोलन, अगर दीपावली साहब का कोई भी आंदोलन हो, यानी ये आप यहाँ पे अभी सब लोगों को लग रहा है कि दीपावली साहब प्रकल्पग्रस्त के नेता, प्रकल्पग्रस्त के नेता है, नवी मुंबई के नेता है, नहीं, हमारे दीपावली साहब पूरे महाराष्ट्र के ही नहीं लेकिन 12.5% जो कानून लगाए वो देश के लिए है। जब आंदोलन हुए थे जिसमें प्रकल्पग्रस्तों को न्याय दिलाने के जो लिए जो आंदोलन हुआ था उसमें तमाम लोग शहीद हुए थे, उनकी एक जुबान पर लाखों लोग उतर पड़े थे सड़क पे न्याय के लिए, उस वक्त ही कोई याद अगर आपके आपके जहन में है तो अगर आप कुछ बताना चाहें कि किस तरह का आंदोलन था जो रक्तरंजित आंदोलन के रूप में उसको जाना गया? उसकी याद में उस वक्त युवा था तो मैं कॉलेज में पढ़ रहा था, यहाँ पे सब लोग यानी से यहाँ से वो जुलूस के लिए या फिर उनका भाषण सुनने के लिए जाते थे। मैं दीपा पाटिल के साथ मैं बोलता हूँ, दीपा पाटिल का वक्तृत्व और कर्तृत्व बहुत भारी था। दीपा पाटिल अब जैसे कि मराठी में हमारे एक काशीनाथ घाणेकर करके अभिनेता थे, उनके ऊपर पिक्चर भी बनी गई, तो अब उसके बारे में बताता हूँ। दीपा पाटिल का अगर कहीं बोर्ड लग गया कि ये सभा में दीपा पाटिल संबोधित करने वाले हैं, तो सब लोगों के नाम पूरे आते थे, इस सभा में वक्तृत्व कौन करने वाले हैं, तो दीपा पाटिल का साहब का नाम आणि दीपा पाटिल है ना, ये स्पेशली लेता था क्योंकि दीपा पाटिल साहब का भाषण सुनने के लिए उस वक्त भी और उनकी अंत तक शब्द सुनने के लिए युवा वर्ग प्रेरित था, यानी वो एक सच्चा दिल से बोलने वाली कहा ये है। और ये आप बोले, आप मुझे आप बोले कि लोकनेता बोलते हैं, मैं भी बहुत सारे सभाओं में उनकी उनका सूत्र संचालन करता था, तो मैं अगर उनको लोकनेता वगैरह हमारे लोकनेता जी आए, आप लोगों को बहुत लगता है कि हमें किसी को ये संबोधित करे उसको सर्वनाम दे, लेकिन अगर दीपा पाटिल साहब को लोकनेता बोले तो उनको पसंद नहीं होता था, एक्चुअली वो पसंद नहीं करते थे वो किसी को ने, लेकिन हम सब ये लोकनेता ये पदवी जब कोई आंदोलन करता है इतने बड़े यानी लोगों के लिए जो लोगों के प्रति जो करा आंदोलन होता है तो उनके आंदोलन से वो उनको पदवी मिलती है और वैसी पदवी ये हमारे लोकनेता साहब दीपा पाटिल साहब को मिली है। आपने बहुत बढ़िया जिक्र किया कि वो इस तरह के संबोधन को भी स्वीकार नहीं करते थे क्योंकि इतना उनका समर्पण और त्याग भावना उनके अंदर थी। इतने साल तक सांसद रहे, दो टर्म में सांसद रहे, 5 बार विधायक रहे, 1 बार MLC रहे और नगराध्यक्ष रहे, इसके बावजूद भी
उन्होंने कभी आज के नेताओं के तौर पर कभी इस तरह से अपना व्यवहार नहीं किया। आज भी उनके परिवार को हमने देखा कि वो एकदम सामान्य तरीके से रहते हैं। आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए कि इतने सारे प्रोफाइल होने के बावजूद भी, इतने प्रोटोकॉल होने के बावजूद भी उन्होंने इतना सादगी भरा जीवन जिया? दीपा पटेल साहब 8-9 साल हो गए अभी जाके, तो उनको आइडल क्यों मानते हैं? क्या उन्होंने देखे गए? उन्होंने बहुत सारा देखे गए। मैं तो बोलता हूँ अगर मैं पढ़ाऊं तो उनके कॉलेज में पढ़ाऊं। यहाँ के लोगों, प्रकल्प ग्रस्त लोगों को वो मिला है तो वो बहुत भारी है। वो तो उनको देव ये मानते हैं, भगवान मानते हैं। पुरंदर में एक विमानतल बन रहा है, वहां के इसने अच्छा लिखने वाले ने लिखा था, अगर अरे पुरंदर में हमारे यहाँ पे बोलते ये विमानतल बन रहा है, ये अगर दीपावली साहब हमारे यहाँ के होते तो हम उनका, हम लोग सब सम्मान करते यहाँ पे पुरंदर में नाम बनाने के लिए, क्योंकि इतना बड़ा नेता हमारे यहाँ पे हुआ नहीं हमारे के। तो वैसा उनका ये जो आप बोलेंगे तो वैसा सब लोगों को ये उसी की चाहत है। दीपावली साहब का ये था कि किसी को सिफारिश भी नहीं करेंगे और हमारे बेटे लोगों को यानी उसी पॉलिटिक्स में उन्होंने उनको आने के लिए ना अभय दादा को दिया ना अतुल दादा को दिया। आज दीपा पाटिल साहब नहीं है लेकिन उनकी प्रेरणाएं आज भी युवाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्व रख रही है। जो बीता आंदोलन गया 24 तारीख का, 24 जून का, उनमें मुझे लगता है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं का उसमें सहभागिता रही। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आज के दौर में दीपा पाटिल जी ने अपने सत्कर्मों से या अपने संघर्षों से या अपने समर्पण से आज युवाओं को प्रेरित कर दिया जिसकी वजह से एकजुट हो गए हो? बराबर है, एकदम बराबर है, आप सही बोल रहे हैं। क्योंकि ये युवाओं को प्रेरणा जो आप अभी आप बोलेंगे हम लोग कि छत्रपति शिवाजी महाराज को हम लोग 350 साल हो गए उनको जानते हैं, छत्रपति संभाजी महाराज को हम लोग जानते हैं, उनका उनको उनकी उनका नाम लेके हम यानी हमारी छाती फूलती है। दीपावली साहब का भी नाम लेके हम लोग यानी उतना ये प्रेरित होते हैं और फूलते हैं। दीपावली साहब के लिए मर मिटने के लिए सब लोग तैयार है। मैं तो बोलता हूँ, मैं तो एक कामगार था रिलायंस में, इंजीनियर बन गया, इंजीनियर के तौर पे यूटिलिटी मैनेजर था, लेकिन दीपा पटेल साहब का मेरे घर में फोन आता था। मेरी माँ वो फोन उठाने के लिए पहले भागती थी, 9 बजे फोन आया तो साहब का फोन है मैं उठाऊं, साहब से कम बात करने के लिए उतना इन्हें उनका प्रेरणा होती थी। यहाँ तक क्या पूछेंगे, जैसे कि उन्होंने गरीबों के लिए इतना कार्य किया है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शंकर राव जी चव्हाण जब उनके बेटी की शादी में आए थे तो उन्होंने उनको दावत दिया था कि गृह मंत्री की कुर्सी आपके लिए खाली है। दीपावली साहब का आंसर था, तो मैं विरोधी पक्ष में नहीं रहा तो विरोधी पक्ष का इसके ऊपर अंकुश कौन रखेगा? अभी आप किसी को बोलेंगे कि आप मैं मंत्री बनाता हूं आप वहां पे आइए, आप बोल के देखिए, आप पूछिए कई नेताजी को, वो नहीं है। वो इतना त्यागपूर्ण जीवन, समर्पित लोगों के प्रति जीवन, दीपावली जैसा जीवन हमें तो कहीं मिलता नहीं है देखने के लिए। आपने जिक्र किया कि शंकर राव चौहान जी थे, उन्होंने उनको गृहमंत्री की कुर्सी देने का उन्होंने ऑफर दिया था कि आप हमारे साथ आ जाइए, लेकिन उन्होंने अपनी निष्ठा दिखाई क्योंकि विरोधी पक्ष नेता थे। एक मुख्यमंत्री तब के थे जब उनको गृहमंत्री की कुर्सी देने के लिए भी तैयार थे, और आज के एक मुख्यमंत्री हैं जो उनका नाम देने के लिए भी तैयार नहीं है। आपको क्या लग रहा है? ये रियली मैं बोलता हूँ बहुत दुख की बात है। जब शिवसेना बोलती है कि शिवसेना ने उनको लोकसभा का टिकट दे के सम्मान किया, बाला साहब ने सम्मान किया, दीपावली जैसे लेफ्ट यानी डावे विचारसरणी का आदमी जो विचार देने वाला है वो उसमें शिवसेना में यानी उजवा हिंदुत्व के बाजू में उसमें गए थे। दीपावली साहब को उस वक्त यानी किसी ने समझाया, स्पेशली बाला साहब ने समझाया था। बाला साहब ने बोला था कि मैं प्रबोधनकर ठाकरे का ये हूँ, मैं प्रबोधनकर ठाकरे के विचार में चलने वाला हूँ। प्रबोधनकर जी बोलेंगे तो संयुक्त महाराष्ट्र के इसमें काम करने वाले 5 में से एक पहले गिने चुने नेता थे जो बाला साहब के पिताजी है और हमारे मुख्यमंत्री साहब के नाना जी है। तो और संयुक्त महाराष्ट्र के प्रति तो दीपा पटेल साहब ने आंदोलन किया, आपने सब लोगों के पास से जिक्र सुना होगा कि दीपा पटेल साहब 1.5 साल बेलगांव यानी कर्नाटक की जेल में भी रह चुके थे। तो आप उसी इसमें दायरे में समझा कि उन्होंने उनको एक शिवसेना में लिया। उस वक्त अगर आप बोलेंगे तो मैं तो बोलता हूँ उद्धव जी साहब को आप दीपावली का सम्मान करने के लिए उस वक्त शिवसेना के में लेने के लिए किसी अगर कोई कैंडिडेट जाता है
मुझे चाहिए तो वो ऑफिस में जाता है या फिर उनको मिलता है या कोई उसके पास से बातचीत करके लेगा, लेकिन देवापड़ी साहब को लेने के लिए खुद उस वक्त के कार्याध्यक्ष शिवसेना के उद्धव जी ठाकरे जो अभी मुख्यमंत्री है वो आए थे, उनको सम्मान से उनके ऐसे घर से लेके गए। एक वक्त आया था उस वक्त कि ये शिवसेना की तरफ से बहुत सारी यानी दंगल वगैरह ये सब ये हुआ था, तो दिवा पाटिल जब सांसद थे तो उन्होंने एक्चुअली दिवा पाटिल साहब ने ऐसा बोला था उसको, ये बाल ठाकरे को अटक करो, आप बोल नहीं सकते थे। और ये बोलने के बाद संसद विधान भवन ने बोलने गुंजने के बाद इतना आवाज देने के बाद तो वो तो सिंपली वहां से अपना चर्च यानी मंत्रालय से फिर सिंपली यानी एसटी से पनवेल आए थे। आप बोलेंगे तो इतना पूरा पूरा उसको संरक्षण चाहिए, कुछ चाहिए कुछ भी नहीं है, इतने वो निर्भीड़ थे। तो उसी याद को ताजा करने के लिए शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे ने बोला था उनको, ये मराठी में है वर्ड, दोनों मराठी है, ये दिवा ये मला अटक कर, ये मराठी का वर्ड उनका, तो आओ दिवा जी आइए मुझे अपने अपने हाथों में अपने बाहु में ये कर दो, ले लीजिए। बहुत बढ़िया जिक्र आपने किया। अब मैं आखिरी दो सवाल आप मेरे हैं आपके, आज आपको लगता है कि जो शिवसेना जो दलील दे रही है कि चूंकि दिवा पाटिल शिवसैनिक हो गए थे और उन्होंने बाला साहब ठाकरे के मार्गदर्शन में काम किया इसलिए उनसे महान बाला साहब हो गए, इसलिए उनका नाम देने का औचित्य नहीं, आपको ये जायज लगता है किसी एंगल से? मुझे नहीं लगता जायज। दिवा पाटिल साहब का अगर कोई बोलेंगे, आप लोग बोलते हैं कि किसी का बेटा मुख्यमंत्री बन गया और किसी के बेटे एक बहुत बड़े कंपनी के इंजीनियर्स है और अपना एक नॉर्मल जीवन कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में किसी का बेटा है तो इसलिए आपने पिताजी का नाम दे और दूसरे का किसी ना, ये अन्याय है। मुझे तो लगता है कि शिवसेना, मैं भी जानता हूँ यानी मैं भी एक शिवसैनिक के शिवसैनिक होने के नाते में ही बोलता हूँ, एक्चुअली बाला साहब की भी यानी एक्चुअली मैं रिस्पेक्ट करता हूँ बाला साहब ठाकरे साहब का, उद्धव साहब ठाकरे का। मुझे लगता है क्योंकि उद्धव साहब भी बहुत यानी समझदार है, उन्होंने अभी ये कोरोना के इसमें महामारी में अपना महाराष्ट्र को अच्छा तरह से संभाला है, बहुत शांति से इन्हें कंट्रोल किया है, तो और ये भी ये इस प्रश्न का भी हल वो शांति से ही निकालेंगे, क्योंकि यहाँ इस तौर पे उनके पिताजी है तो दूसरे तौर पे उनके जिसको काका उनको बोलते थे दीपावली साहब को, उन्होंने काका का रिस्पेक्ट दिया था, अंकल का रिस्पेक्ट दिया था, तो उनको ही वो दोनों का ही सम्मान करेंगे और उनका मार्ग निकालेंगे। सर आपने कहा कि वो सम्मान देंगे, लेकिन जिस तरह की बैठकें हुई हैं मुख्यमंत्री के साथ प्रकल्पग्रस्त प्रतिनिधियों की, जो नेताओं की बैठकें हुई है, वो इस तरह का इशारा नहीं कर रही है कि वो सम्मान देने के मूड में है, वो पितृमोह में अपने पिता के नाम की ही जिद पर अड़े हैं। इसके साथ साथ शिवसेना ने और भी विकल्प सुझाए हैं कि आप दूसरे प्रोजेक्ट पर दिवा पाटिल साहब का नाम दे दीजिए, इंटरनेशनल एयरपोर्ट को छोड़ दीजिए, आदर करते हैं उनके प्रति श्रद्धा रखते हैं, तो फिर विकल्प की क्या जरूरत है? शिवसेना है उसका नींव कहाँ है, किसके ऊपर है? तो शिवसेना की नींव बोलेंगे तो भूमि पुत्रों के लिए है, भूमि पुत्र है। शिवसेना बोलेंगे तो शिवसेना के जो कितने भी कैंडिडेट्स है MLAs है वो OBC समाज के है, दिवा पाटिल के समाज के है, यहाँ तक कि ये जो हमारी सर्वपक्षीय आंदोलन समिति विमानतल के लिए बनी उसमें से सब लोग पूरे मनोहर भोईर थे उन्हन के, या फिर बालाराम पाटिल साहब थे, जय मात्रे साहब थे, वो सब उन्होंने उस वक्त, या फिर भवन दादा पाटिल थे, वो तो सब लोगों ने हमारे यहाँ पे सभागृह में 13 जनवरी का जो साहब का जयंती समारोह हुआ उसमें भी उन्होंने उसके ऊपर साइन भी किया है, और उनको भी लगता है पूरे यानी ये यहाँ के जो पूरे पूरी युवा लोग है उनको अभी समझाना का ये तो ये नहीं रहेगा, ये नहीं है हमारे पास। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि दिवा पाटिल साहब का ही नाम लगना चाहिए, और बाला साहब का तो वैसे आप जाएं सब लोग बता भी रहे और देख रहे कि समृद्धि महामार्ग में उनका नाम रहा है, फिर शिवाजी पार्क में उनकी समाधि है, महापौर बंगले पे ऊपर नाम है, फिर मुंबई में जितने भी हॉस्पिटल्स वगैरह बन रहे हैं वहां पे उनके कई बड़े प्रोजेक्ट हैं जिसको बड़ा प्रोजेक्ट्स है उसमें नाम उनके लग रहे हैं। तो ये दिवा पाटिल साहब को जो भूमि पुत्र है उनका सम्मान करो। जिस दिन ये सिडको के इन्हें नगर विकास मंत्री ने उसके बाला साहब ठाकरे के नाम का जिक्र किया उस वक्त वह व्यथित हो गया, मैंने अपने सब जो हमारे जो नेतागण थे
उनको सब लोगों को बोला कि ये गलत है, इन्होंने 2 जनवरी 2015 को हमारे सैन्य या मुझे नहीं, हम लोग 5-6 लोगों को निवेदन देने के लिए कोई बंद कमरे में नहीं, हम लोग तो सिद्धगढ़ जो हीराजी गोमाजी पाटिल और वीर कोतवाल की समाधि है सिद्धगढ़ में, वहाँ पे उन्होंने उनके ज्योति के सामने 6:05 में वहाँ पे ज्योति प्रज्वलित की जाती है, उसके सामने उधर ज्योति के सामने शांति पाठ होने के बाद हम लोग हमारे सब नेतागण ने लोग उनको निवेदन दिया था, उन्होंने ये मोबाइल के टॉर्च के लाइट में उसमें उसको पढ़ा। हमारे कपिल पाटिल साहब है सांसद, उन्होंने भिवंडी के, उन्होंने उसी दिन 2 जनवरी 2015 को अपना मेल पंतप्रधान जी को उसके बारे में भेजा था, और उसके बाद में ये भी उधर संसद में भी सवाल, इन्होंने भी ये अपने एकनाथ शिंदे साहब ने भी उसका बारे में उधर बोल दिया था, और वो हमारे सामने नहीं, वहां पे तो 10,000 लोगों का यानी युवा लोगों का ये था जलूस था, उसके सामने उन्होंने बोला था कि हम लोग अपना प्रॉमिस करते हैं कि दीपावली साहब जैसा नेता हमारे हम लोगों ने देखा नहीं, हम लोगों ने उनके भाषण सुने, हम लोगों ने उनको जाना है, हम लोग उनको अच्छी तरह से रिस्पेक्ट करते हैं, दीपावली साहब का नाम इसको देना ही चाहिए, ये मैं शिवसेना का नेता होने के नाते और ठाणे जिला का पालक मंत्री होने के नाते मैं यहाँ पे सभा को संबोधित करते हुए एक आपको आश्वासित करता हूँ, ये उनको बोला। मैं बोलता हूँ हम लोगों को फंसा है, आदमी आदमी को फंसा है, लेकिन हमारे जो स्वातंत्र्य की प्रेरणा देने वाले हमारे वीर कोतवाल भाई, वीर कोतवाल और वीर हुराजी पाटिल, उनको क्या लगा होगा कि ये कितना ये झूठ हो रहा है, इनको देखने इन्हें एकनाथ शिंदे साहब ने और उद्धव साहब ने उसको करेक्शन करना चाहिए जो गलती हो रही हो। उम्मीद कर रहे हैं आप कि आने वाले समय में इस आंदोलन से सरकार जागेगी और दीवा पाटिल साहब का नाम देगी? बिल्कुल बिल्कुल जागेगी, क्योंकि 10 तारीख को हमारा जो ह्यूमन चेन्स का ये हो गया उसका तो यानी इतना आप लोगों ने मीडिया वालों ने भी ये लिया, क्योंकि ये मीडिया है ना, मीडिया के सामने ये नहीं है, लेकिन ये कितनी बड़ी चेन है, दीपावली साहब के नाम के ऊपर कितने लोग इकट्ठा होते हैं, उनके ऊपर मर मिटने के लिए कितने लोग तैयार होते हैं, और उसके बाद में मैं बोलता हूँ कि ये जो अभी 24 तारीख को है उनके पुण्यतिथि समारोह के ऊपर उस दिन आंदोलन हो गया, वो तो बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ कि 1984 का आंदोलन जो हुआ था शेतकरी आंदोलन, वैसा उसका सेम कॉपी है, वैसा ही सेम कॉपी है, अगर ये अभी उन लोगों ने समझना चाहिए, उद्धव ठाकरे साहब ने और ये महाराष्ट्र शासन ने समझना चाहिए कि ये 24 का आंदोलन ये तो झांकी है, अभी मंत्रालय पे हमारा मोर्चा बाकी है, तो उन्होंने उसका बोध लेके हुए हमारे दीपावली साहब का नाम देना चाहिए, उसमें कुछ हमारे कमेटी के साथ वो जो निर्णय लेगी हम उसके साथ में है। गायकर साहब बहुत बहुत थैंक यू, आपने मेरे तमाम सवालों का जवाब दिया और आपने तो एक इशारा भी कर दिया कि जो 24 जून के का जो आंदोलन था प्रकल्पग्रस्तों का वो सिर्फ झांकी है, अगर सरकार ने नई मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दीवा पाटिल साहब का नाम नहीं दिया तो इससे भी तीव्र आंदोलन होगा और वो आंधी की तरह से होगा और सरकार के लिए ये खतरे का अल्टीमेटम है। उम्मीद कर रहे हैं कि राज्य सरकार इस पर गंभीरता से सोचेगी और निर्णय लेगी। आज की बातचीत में बस इतना ही, अगली बार हम फिर किसी नई शख्सियत के साथ दोबारा आपसे रूबरू होंगे, तब तक दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत, लेकिन देश दुनिया और महाराष्ट्र की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए टीवी इंडिया लाइव। नमस्कार नमस्कार।